सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना रही हो जी, चाय चाय बना रहे हैं। और क्या बन रहा है? नाश्ता लेकर आए हैं, देख सकते हैं मोमोज आया है और वो आया। क्या बात, तो आज तो धमाकेदार पार्टी है। सब लोग देखिए हमारे घर में बॉय हो गए भाई, बॉय हो लड़की भी होती तो भी इससे दुगना खुशी होता क्योंकि बिल्कुल हाँ हमको लड़की चाहिए। घर में पहली बार अगर लक्ष्मी का वास होता है तो लोग ज्यादा ज्यादा खुश होते हैं। हम लोग भी खुश थे जब हमारे पहली सोनाक्षी हुई थी, हम लोग काफी खुश थे, अभी भी खुश हैं। अब हमारे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं, लड़की भी या चाहे लड़का, बात तो एक ही बात। लेकिन ये देखो हमारे घर में पहले सबको लड़की होती थी, पहली बार लड़का हुआ है ना। मौसी का तो पीला, हमारी दीदी को पहले लड़की हुई, बड़े भाई साहब को लड़की हुई, हमें भी लड़की हुई, लेकिन छोटे को लड़का हुआ ना, रिकॉर्ड टूट गया। नहीं सबको लड़की लड़की लड़की, बहुत खुशखबरी की बात है। लड़की इसलिए हमारा चेहरा उतर गया है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहते हैं। हम लोग जान बुझ के ऐसा चेहरा बनाते थे आप लोगों को कंफ्यूज करने लगते थे कि कंटिन्यू हम लोग ब्लॉग देखते रहे। क्या बात है जी, आज ज्यादा स्मार्ट लग रही है, क्या बात है। घर में आ गए चाय से, मम्मी तो नस्त हो रही है। तो इधर आ गया है मोमोज और इधर आ गया है रोल, धमाकेदार ग्रैंड पार्टी है आज। बनेगी पनीर की सब्जी, कचौड़ी, चावल, यही होगा निप्पल जब ये सब यही पे है तो। तो इधर चाय बन गया है, गर्मा गर्म चाय छन रहा है, सब लोगों के लिए वंदना जी लगा रही हैं। देखो यार पलटे ना उधर, थोड़ा ट्रे आगे कर रखे हैं, इनके दीपक भाई का फोन आ गया है। हेलो, तो आ गया है गर्मा गर्म चाय। सब लोग सारे की यहाँ लाइला, और पापा का फोन आ गया है। क्या हुआ? वो पापा जा था ना आटा नाई चक्की पर, रही सबसे नाश्ता कर लिया मम्मी का, पापा पहले आटा। एक फोन है लगाते हो पापा अजी, क्या क्या आइटम लेके आ रही हो? अबे यही खा ले तो खाना जाए, चावल खाली फ्राई करे हो ही जाए, खाना ना बने। सकते हैं मैं बैठा था, सोनाक्षी आई, मेरे सर में तेल उल लगाई है और काफी अच्छा लगा है, मेहनत की है। आज कह रही कि आज सेवा कर देते हैं पापा और दिखाते हैं कि और क्या कर रही है। देखिए मेरा पैर दबा रही है, तेल भी लगाया सर पे, ऑयल है और ये कड़ू का तेल है। बता नहीं बेटी से पैर और मालिश करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, लेकिन और क्या गाइस, मेरे चाचा का भी कराए, सोचा पापा के भी कर देती, चाचा के कराए तो जमीन में बैठी हो ठंडा नहीं लगेगा? अरे कहां गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी सोनाक्षी कर रही है। अगर गलत कर रही होगी तो पैर और दबा रही, सॉरी उसके लिए, मुझे नहीं पता। पैर दबाना चाहिए, सर दबा सकती है लेकिन पैर पता नहीं। अगर मुझसे गलती हो रही तो सॉरी, गलती माफ कर देना। सोनाक्षी पैर दबा रही है मेरा। क्या बात आज खुश हो? अरे पापा का फोन था काहे कार नहीं चलाते हैं? पापा भी थक जाते हैं ना गाड़ी चला चला के। हाँ। तो बंदा जी इधर लल्लन टाप लग रही है एकदम, कितना तेल लगा दी हो? जाने दो, सुबह तो हेयर वॉश कर रहे हैं। अरे इतना तेल थोड़ी लगाते हैं, जाने दो। ऋषभ देखो आज सोनाक्षी मेरा सेवा कर रही है, चाचा का भी कर रहे हैं। मैं तेल चप्पू लग रहा हूँ एकदम, चलो चप्पू बना दिए, हप्पू के उल्टन पल्टन, हप्पू सिंह लग रहा। पापा ये कौन सा चाबी है? पता नहीं, ये कौन सी घड़ी? सबको खाना पीना खिलाने के बाद वंदना जी यहाँ पे अपना साफ सफाई कर रही हैं, और साफ सफाई हो भी गया है, बस थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि बच्चों का मम्मी रुक रहे, काम तो कर रहे, रुक मम्मी कर रहे, रुक जाओ, सब थक गए ना।
बच्चों का स्कूल है ना, तीन चार दिन हमारा खराब हो जाएगा जानती। एक दिन रुकने का मतलब तीन चार दिन खराब हो जाएगा। क्यों एक दिन रुकने तीन चार दिन का खराब हो गया? कांच लगा हुआ तो पूरा धूप इधर आता है और इधर बना रही है अपना दाल चावल बना रही है जो। और क्या बनेगा? तो दाल चावल बना रही है। ऋषभ सोनाक्षी अभी सो रहे हैं। अब हम लोग सोचे क्या घर जाए, फिर छट्टी है, फिर वापिस आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग रात को यहीं रुक गए थे। तो मैं हाथ होके निकल जाता हूँ काम पे, फिर अपना आ जाऊंगा। कल पूजा जी का भी एनिवर्सरी है, देखते हैं क्या होता है। ये नहा वहा के रेडी हो गए, अपना खाना पीना बना रही हैं। तो चलते हैं, हम भी फटाफट नहा लेते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो सब लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है और मैं चलता हूँ ड्यूटी के लिए। अभी ऋषभ सोनाक्षी सो ही रहे हैं, बस चलते हैं। मम्मी अपना साफ सफाई कर रही हैं। मम्मी दरवाजा बंद कर लूँ। आएगी 14 और पूजा जी का एनिवर्सरी है और अमित किट्टू के बेबी का छट्टी भी है। और हम लोग तो अपना कपड़ा लेके नहीं गए थे, हमें पता नहीं था कि हम वहाँ अमित किट्टू के घर पे रुकेंगे, वहाँ रुक गए और फिर कपड़ा भी नहीं था। हमने वही नहा के फिर वही कपड़ा पहन लिया। अब मैं ड्यूटी के लिए अपना काम कर रहा हूँ और ऋषभ सोनाक्षी उनकी मम्मी सब अमित किट्टू के घर पे हैं। फिर मैं जाऊँगा अपने घर पे, वहाँ से कुछ कपड़े उपड़े लूँगा, या तो फिर रात को या फिर सुबह ही निकलूँगा। देखते हैं जैसे परिस्थिति होगी उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। बन्ना जी ने बोला था मैं तो किट्टू को पहन लूँगी, अगर नहीं आ पाओगे लेके तो वो तो अपना पहन के काम चला लेंगे, लेकिन मैं कैसे पहनूँगा। मैं तो अमित का तो टी शर्ट वगैरह हो जाता लेकिन पैंट नहीं होता, बड़ी समस्या ये है। नहीं तो मैं भी अपना काम चला लेता। अब मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए तो अपना काम उम कर रहा हूँ। रात को जाऊँगा घर पे, फिर वहाँ से मैं सुबह निकलूँगा। तो चलिए जैसा होगा आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा ब्लॉग पे, मिलेंगे कुछ। फैमिली मैं घर पे पहुँच गया हूँ और वंदना जी को फ़ोन लगाया हूँ और पूछ रहा हूँ क्या चाहिए था। इन्होंने साड़ी मंगाया है। क्या यार? इतनी जिम्मेदारी है, समझ में नहीं आता। ड्यूटी करके आया हूँ, सेविंग भी कराना है, कपड़े भी लेके जाने हैं, और जब जा रही थी तो लेके नहीं गई। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी ठोप दी, ये लेके आओ वो लेके आओ। अब वही रखते ही उनको पता है कि कहाँ सामान कहाँ रखा हुआ है, मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे भी परेशान कर दिया है। चलिए ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. तो फैमिली मैं पहुंच गया हूं, सबका कपड़ा वपड़ा लेके मैं भी अपना ले आया हूं और ऋषभ सोनाक्षी का भी ले आया हूं, क्योंकि हम लोग कपड़ा नहीं लाए थे और रुकने का भी मन नहीं था, लेकिन क्या करें, ऐसी सिचुएशन आ गई है, रुकना पड़ रहा है। पूजा जी का भी एनिवर्सरी है, फिर छट्टी भी है, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो ये देखिए कपड़ा वपड़ा ले आया हूँ, तो उठा लेता हूँ। और वंदना जी का कपड़ा मैंने आगे ये साड़ी रख रखा हूँ, तो ये उनकी साड़ी है। चलता हूँ तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो मैं पहुँच गया हूँ और रात के बज गए हैं 11:40 और वंदना जी पहुँचते ही यहाँ खाना वाना निकालने लगी है मेरे लिए। सब इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे, कब आएंगे। एक तो मन कर रहा था ना जाऊँ सुबह चलता हूँ, फिर मैं बोला कि सुबह जाऊँगा, टाइम वही लग जाएगा, अच्छा रातों रात पहुँच जाता हूँ। अगर पूजा जी का एनिवर्सरी नहीं होता तो नहीं आता फिर मैं, फिर जब कार्यक्रम होता तभी आता। मम्मी इधर खा चुकी है, केक वो रख के आई थी वहाँ पे, और क्या, कुछ खा लिए कुछ फेंक दिए। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद मॉर्निंग में।